मैं प्रेम प्रकाश मंडल आवास विकास निवासी जनरल इंश्योरेंस में सर्वेयर हूँ। मैं श्रीमती जागृति प्रकाश संगीत शिक्षिका श्री रामचंद्र गर्ल्स कॉलेज। मैं अपने परिवार की ओर से शहर के सभी को दीपावली धनतेरस एवं भैया दोज की शुभकामनाएं देता हूँ और कोरोना संकट काल के नियमों को देखते हुए दीपावली मनाने का आग्रह करता हूँ, लेकिन बच्चों को पटाखों से दूर रखने का आग्रह भी करता हूँ। धनतेरस दीपावली एवं गोवर्धन के पावन पर्व पर कुमार मेडिकल नबीपुर चौराहा हाथरस की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। मैं कुमार मेडिकल स्टोर की तरफ से सभी हाथरस वासियों के लिए दीपावली की, भैया दूज की और गोवर्धन की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से एक अपील करता हूँ कि पटाखों से दूर रहें। धनतेरस दीपावली एवं गोवर्धन के पावन पर्व पर केके सैनिटरी हाथरस की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। मैं संजीव कुमार वाजपेयी और केके सेनेटरी हाथरस से समस्त परिवार की ओर से और समस्त हाथरस वासियों की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली गोवर्धन और भैया दोज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का प्रेम का संदेश जाता है सबों के लिए, इसे प्रेम के साथ मनाएं। धनतेरस दीपावली एवं गोवर्धन के पावन पर्व पर श्री रामजी मिष्ठान भंडार हाथरस की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। मैं लखन गुप्ता श्री रामजी मिष्ठान भंडार की ओर से समस्त शहर वासियों को दीपावली धनतेरस व गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मिठाइयों का त्योहार है, पटाखे कम जलाएं, मिठाई ज्यादा खाएं। धनतेरस दीपावली एवं गोवर्धन के पावन पर्व पर श्री राधे कृष्ण प्रॉपर्टीज हाथरस की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। मैं सुमित वासनी अखिल भारतीय वैश्विकता परिषद जिला अध्यक्ष, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मैं देशवासियों को ये मैं और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं ये देना चाहता हूँ। धनतेरस दिवाली और भैया दोज की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे हमारे जो हाथरस वासियों को सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कोरोना काल में सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को मनाएं, हंसी खुशी मनाएं और दिवाली में पटाखों से दूर रहें जिससे कि प्रदूषण भी ना हो। धनतेरस दीपावली एवं गोवर्धन के पावन पर्व पर स्वैंक टैटूज नवनीत शर्मा कोमल कॉम्प्लेक्स हाथरस की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मैं आपके हाथरस से नवनीत शर्मा और मैं कोमल कॉम्प्लेक्स में मेरा स्वैंक टैटूज के नाम से मेरा ओनर है, मैं बिजनेस करता हूँ और इस दिवाली के अवसर पर मैं आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी बहनों भाइयों को और अपने
दुख समान चाचा ताऊ सभी को। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस दिवाली पर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स में मिठाइयाँ और चॉकलेट बांटे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बम और पटाखों का जो सीजन है ये अपना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं मात्र 10% अपने बच्चों को ये पटाखे चलाने दिए जाए और इससे ज्यादा नहीं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि दिवाली को अच्छे से मनाएं। धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन के पावन पर्व पर मस्कट मोटर्स हाथरस की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। मैं मुकुल शर्मा, ब्रांच मैनेजर मेस्को मोटर प्राइवेट लिमिटेड हाथरस, सभी समस्त क्षेत्र वासियों और अपने जनपद वासियों को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दीपावली जो त्यौहार है ये हमारा सौहार्द का त्यौहार है और इसको पटाखों के बिना बनाएं और मिठाई बांट करके बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में यह पहली बार हुआ है कि वेतन और पेंशन का बजट 17 करोड़ कम आया है। पेंशनर्स को पूरी पेंशन तक नहीं दी जा सकी है। AMU ही नहीं अधिकांश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है। इसके पीछे कोरोना संकट को भी वजह माना जा रहा है। AMU का 17 करोड़ बजट कम आने से AMU अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है। जी सर, आपका क्या नाम है और सुना है इस बार यूनिवर्सिटी में पेंशनर्स को आधी पेंशन मिली है, क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं प्रोफेसर हामिद अली हूँ और यहाँ अभी पिछले नवंबर 30 नवंबर 2019 में रिटायर हुआ हूँ। यहाँ का मैं दो बार का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। इस हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि मैं पहली बार ऐसा प्रेसिडेंट हूँ, दो बार हुआ। यहाँ मैं डीन रहा, यहाँ का डायरेक्टर रहा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट 6 साल, 4 बार मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रहा, तो यहाँ की हर पार्टी का मेम्बर रहा हूँ। और यह है कि मैं इतने रिटायर होने के बाद 30 नवंबर से अब तक मुझे कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। ना कोई ग्रेच्युटी मिली है, ना कोई मुझे लीव का इनकैशमेंट मिला है, ना कोई मेरी पेंशन का जो डिडक्शंस होते हैं उसके एवज में जो मिलता है, खैर उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का है, क्योंकि जब तक पेंशन पूरी दे रहे हैं तो वो ऐसा हो सकता है। और उसमें सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि यूनिवर्सिटी के सब काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें पेंशन हमारी आधी हो गई, कोई बेनिफिट नहीं मिला है, 1 साल हो गया है। ये मेरे ख्याल से इस इंडिया में शायद रिकॉर्ड हो रहा हो पूरे मेरे भारत में कि किसी को रिटायरमेंट वाले इंसान को 1 पैसा नहीं मिला। सर, सुनने में आ रहा है इस बार यूनिवर्सिटी के जो पेंशनर्स हैं उनको आधी पेंशन मिली गई है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, सभी की पेंशन आधी आई है और इसके अलावा ये भी है कि जो लोग दो साल से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी के तरफ से ये कहा जाता है कि साहब गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने अगर पैसा नहीं दिया तो किस कानून के तहत नहीं दिया? और अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया और यूनिवर्सिटी ने पैसा नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी ये बताया उन्होंने किस कानून के तहत रोका इसको? तो इस वक्त बहुत परेशानी में है पेंशनर्स, टीचर, नॉन टीचर सबकी एक ऐसी सिचुएशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, सब लोग को बेइंतहा परेशानियाँ हैं, बल्कि 2 साल से तो लोग ग्रेजुएट तक नहीं मिली और यूनिवर्सिटी बार बार ये कहती है कि हमें पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ने अगर नहीं दिया तो किस कानून के तहत नहीं दिया ये बताए, और ये अचानक हो गया बगैर किसी ऐलान के गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। अगर यूनिवर्सिटी ने किया तो यूनिवर्सिटी बताया उन्होंने ऐसा कैसे क्यों किया। किसको जिम्मेदार मानते हैं, आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटी इंतजामियों को इसके बारे में?
यूनिवर्सिटी इंतजामिया को प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, HRD मिनिस्टर से मिलना चाहिए, बाकायदा रिटन क्या कहते हैं मेमोरेंडम देना चाहिए अगर इन्होंने नहीं किया है तो, और उन्होंने अगर दिया है तो ये दें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।